क्या वरुण धवन ने किए करण जौहर और शशांक खेतान के दो बड़े फिल्म्स रिजेक्ट? क्या पिछले फिल्म्स के बुरे रिकॉर्ड का है ये नतीजा? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। वरुण धवन ने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पिछले साल इस प्रोडक्शन को बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी बड़ी हिट देने के बाद वरुण के खाते में धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही डायरेक्टर शशांक खेतान की फिल्म मिस्टर लेले और रणभूमि थी। हालांकि खबर है कि वरुण धवन ने धर्मा प्रोडक्शन और शशांक खेतान के इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को करने से इनकार कर दिया है। वरुण धवन के इस फैसले से उनके फैंस और बॉलीवुड को काफी हैरानी हो रही है, क्योंकि ये दोनों बी टाउन के बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं। बॉलीवुड लाइफ की खबर के अनुसार धर्मा प्रोडक्शन डायरेक्टर शशांक खेतान के साथ मिस्टर लेले और रणभूमि जैसी फिल्में बनाने की प्लानिंग में थे। इन दोनों ही फिल्मों में वरुण धवन मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले थे, लेकिन वरुण धवन ने इन दोनों ही फिल्मों में काम करने से मना कर दिया है। वरुण धवन के इस फैसले के पीछे का कारण क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस खबर पर वरुण या करण की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। सोर्सेस का ये भी कहना था कि ऑल्दो शशांक इज अ क्लोज फ्रेंड, वरुण फ्लैटली टोल्ड करण जौहर दैट ही डिडंट थिंक द स्क्रिप्ट वाज अप टू द मार्क। ही आल्सो फील्स दैट हिज फादर डेविड धवन स्कूली नंबर 1 ऑपोजिट सारा अली खान इज इनफ फॉर लाफ्स दिस ईयर। वरुण नाउ वांट्स टू साइन अ सीरियस ड्रामेटिक फिल्म, नॉट लाइट हार्टेड फ्रिवोलियस फ्लफ स्टफ। वही फिल्म रणभूमि को लेकर रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि कलंक जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म के फ्लॉप जाने के बाद वो इस फिल्म के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले खबर सिर्फ ये थी कि इस फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस बारे में खुद डायरेक्टर शशांक खेतान ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी। डालिए एक नजर। वहीं करण जौहर ने भी फिल्म मिस्टर लेले को अनाउंस करते हुए इस फिल्म का पोस्टर जारी किया था। मिस्टर लेले में वरुण धवन के साथ जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे। मिस्टर लेले एक अर्बन एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली थी, वहीं रणभूमि एक रूरल पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म होने वाली थी। इससे पहले वरुण धवन और शशांक खेतान की जोड़ी ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में काम किया है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी, लेकिन अब वरुण के इस रिजेक्शन के बाद लगता है जैसे फैंस को ये ट्रीट मिलने से रहा। अब तक इस बारे में वरुण का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वरुण के इस रिजेक्शन पर आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।